अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ दही बनाने का आसान तरीका शेयर करने वाले हैं और कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपका दही बहुत ही गाढ़ा और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फुल क्रीम दूध। दूध हमें गाढ़ा लेना है, जिसकी वजह से हमारा दही भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर दूध पतला रहेगा तो दही की पतली सी लेयर ऊपर जम जाएगी और नीचे पानी रह जाएगा और दही हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं जमेगा। ये दूध पहले से गर्म किया हुआ नहीं है, पहले हम इसे अच्छी तरह से उबाल लाएंगे और एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर दूध को हम थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इस तरह से करने से दही हमारा गाढ़ा जमेगा और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, जब तक ये हल्का गर्म नहीं हो जाता। दही जमाने के लिए हमें हल्का गर्म दूध चाहिए। दूध हमें इतना गर्म लेना है कि फिंगर डिप करने पर ये जले नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जामुन, और जो जामुन ऐड करने वाले हैं वो फ्रेश होना चाहिए। तकरीबन 4 से 5 टीस्पून हम दही ऐड कर लेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे ताकि झाग अच्छे से फॉर्म हो। हम इसे जमाएंगे मिट्टी के बर्तन में। आप इसे स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में भी जमा सकते हैं। अगर दही जमाने के बाद थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो वो मिट्टी का बर्तन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा दही बहुत ही गाढ़ा बनकर तैयार होता है। इसलिए अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाएं। इस तरह से हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ दूध भी हमने इस तरह की हांडियों में रख दिया था और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। अब हम इसे ओवरनाइट रखेंगे किसी गर्म जगह पर। हमने इसे माइक्रोवेव में रखा था। आप इसे काउंटर टॉप पर किसी गर्म चीज़ से ढककर भी रख सकते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा है तो ये रात भर में जम जाएगा। अगर गर्मियों का सीज़न है तो ये 3 से 4 घंटे में आराम से जम जाएगा। दूसरे दिन सुबह आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स। दही बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है। अगर आपको दही ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा देर के लिए इसे बाहर रख लें। बहुत ही मज़ेदार, गाढ़ा और परफेक्ट दही बनकर अब तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमने दही को नीचे से निकाला है और ये नीचे से भी गाढ़ा है, वरना ऐसा होता है कि ऊपर दही जम जाता है और नीचे पानी रह जाता है। इस तरह से दही जमने के बाद आप इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दें सेट होने के लिए, और ये इतने अच्छे से सेट होगा कि आप इसके पीसेस भी कट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।